चाकू राखे साइया मार सके ना कोई, ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला पटना के बाढ़ स्टेशन पे, जहां मां और दो बच्चों के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई, लेकिन मां और उसके दोनों बच्चे बाल बाल बच गए। दरअसल हुआ ये कि विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से बाढ़ से नई दिल्ली जा रहे एक परिवार अपने रिजर्वेशन टिकट के साथ प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंचा। इस दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई, लेकिन भीड़ इस कदर थी कि ट्रेन पर चढ़ने के दौरान मां और उसके दो बच्चे प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गए, जिसको देखकर लोग शोर मचाने लगे। इधर मां दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच पड़ी रही, जिसके बाद महिला के ऊपर से कई बोगियां एक एक कर गुजर गईं। लोगों ने समझा कि महिला की जान चली गई है, लेकिन ट्रेन गुजरने के साथ ही महिला रेल पुलिस के जवान विनीता ने महिला को उठाते हुए दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया और उसे उठाकर रेल पुलिस थाना पहुंचकर मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। घटना को देखकर महिला के पति रवि अपना बैग छोड़कर ही ट्रेन से कूद पड़े और फिर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंच गए। आपको बता दें कि रवि कुमार बेगूसराय के रहने वाले हैं, जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन की कोच संख्या 8 में सवार होकर दिल्ली जाने की तैयारी में थे। इस घटना को देखने के बाद लोग हैरत में रह गए और सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, चाको राखे साइया मार सके न कोई। पटना से परमानंद की रिपोर्ट।